जी हमारे साथ समर खान भाई जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी समर भाई आप अपना म्यूट करें। जी सर बोले। हाँ समीर भाई, क्या हाल चाल, कैसे? बहुत दिन के बाद से बात हुई हमारी। मैं तो सर रोज आता हूँ, आप काफी दिन के बाद जुड़े हैं। नहीं एक्चुअली कैसा है सर, आपकी स्ट्रीम हमेशा फुल होती है ना, और मेरे को स्ट्रीम बाहर से देखने में जितना मजा आता है, मुझे लगता है वो उतना ज्वाइन करके बात में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने उसमें घुस जाते हो ना, जब बात भी करते हो तो फिर आप कभी ज्वाइन नहीं कर पाते, घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती है। तो मुझे अच्छा ही लगता जी है कि जब मैं बाहर से तो कम से कम सुन लूँ। जी और मैं बस यही बताना चाह रहा था सर कि बहुत टाइम हो गया, अभी मैंने इस्लाम छोड़ के कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं, मेरे घर जी वालों को मैं मना नहीं पा रहा हूँ। मैं तो मान चुका हूँ, मेरा भाई भी मान चुका है, मेरे घर वाले मैं नहीं मान रहे। बस अब क्या ऐसा मैं उनको प्रूफ दिखाऊं, या क्या चीज ऐसा मैं करूँ जाके वो मैं माने। मुझे घड़ी घड़ी फोर्स करते रहते कि तोबा कर ले, तोबा कर ले, वापिस हो जा, आ जा। देखो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ समर खान भाई, पहले तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इंसानियत में आपका इस्तकबाल, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस कंध को जो है निकाल करके अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया, और साथ ही आप जो है अपने भाइयों की ज़िंदगी से भी निकाले इसको, और फैमिली की भी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है ना, ये सवाल बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए इसका जवाब देना, कि ऐसा क्या दिखाया जाए कि लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि जिस इंसान ने ये ठान लिया है ना समर भाई, कि उनको कुछ जानना या कुछ मानना ही नहीं है, आप उनको कुछ भी दिखाएं वो नहीं मानेंगे, वो उस टेक्स्ट को गलत बोल देंगे। अगर वो गलत लगेगा ना, वो उस टेक्स्ट को गलत बोल देंगे, उस चीज को गलत बोल देंगे, कहेंगे नहीं ये गलत है, ये झूठे है ही नहीं, यही गलत है जो टेक्स्ट दिखा रहे हो, रसूल अल्लाह और अल्लाह और इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो फिर आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? ये तो उन बिल्कुल लोगों के दिल की बात होती है जिन लोगों को के लिए जो है अच्छाई और सच्चाई ज्यादा मायने रखती है कंपेयर टू अ टेक्स्ट और कंपेयर टू अ मजहब और रिलीजन। वो लोग ही सच को एक्सेप्ट करते हैं भाई, वरना लोगों को बड़ा मुश्किल है समझाना इसके बारे में। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ समीर भाई। एक बार मैं जब स्ट्रीम देख रहा था तो मुझे इतना तो समझे नॉलेज नहीं था, मैं तो अपना काम में रहता था, तो उसमें बताया गया कि जो रसूल अल्लाह के है वालिद साहब है वो जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बात मैं बहुत 3-4 बार स्ट्रीम में मैं सुन चुका था ना, मेरे पूरे माइंड में था। और मेरे खालू जो थे, जिनको हमारे घर में सबसे ज्यादा आलिम मानते थे, कि हर घर का जो मसला होता था, प्रॉब्लम होता था, उनके पास लेके जाते थे, वो सॉल्व करते थे, मतलब घर कैसे लेना है, कहाँ लेना है, सुन्नत का तरीका क्या है, वो उनके ऊपर ही पूरा छोड़ते थे। तो एक बार ऐसी बहस बहस में मेरे खालू जरा मेरे से फ्रेंडली बात करते, तो बहस बहस में मैंने यही बोला कि आपको पता है कि रसूल अल्लाह के जो वालिद साहब है वो जहन्नम में जाएंगे, आपको मालूम है? तो बोले हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कैसी बातें कर रहा है। मैं बोला अगर मैं आपको बता दूं तो? जब वो उन्होंने थोड़ा सा पूछा या ऐसा कहीं से खबर निकाली तो बोले भाई तू इतना बड़ा कहाँ से मतलब मालूम हासिल कर लिया? बाद में बोला मैं ऐसी थोड़ा ऐसा बताया नहीं मैंने, कहा यूट्यूब से ये किया, मैंने बोला ऐसी पढ़ लिया बस मैंने कही। तो बोले देखिए बात किसी और को बताना नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है जो सब टाइम के हिसाब से चलती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको नहीं बतानी चाहिए, बाकी किसी की बात में आना नहीं, जाहिलपना है सब। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं बोला मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें से 90% सवाल के मतलब 3% सवाल के जवाब भी अगर तुम मुझे दे दोगे ना, तो मैं मान लूंगा कि वाकई में जो है वो लोग गलत बोलते हैं, हमको झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और आप जो बोलते हो मुझे उसका अपोजिट ही वो लोगों का होता है। आप हमको बोलते हो कि क्या नाम है, इस्लाम के बारे में जो बता रहे हो आप कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसके अपोजिट ही निकलता है, वो वाकई में वैसे ही होता है। फिर आप बोलते हो कि उनका नहीं सुनना चाहिए, तो ऐसी हमारी उसके साथ में बहस हुई है। जी असल में यही बात है कि आपको सच बताना नहीं है, अलतकिया करना है, झूठ बोलना है, उम्मत को गुमराह करना है, और ऐसे ही गुमराह की हुई उम्मतों में से कुछ लोग हैं। ये लोग जैसे कि हमारे हारून शेख साहब, ये कहते हैं झूठे एक्स मुस्लिम लाते हैं ये कुछ लोग, मतलब जो इंसान सामने है स्क्रीन पर है, अपनी आवाज़ में अपनी दास्तान बयान कर रहा है, अपना अकीदा बयान कर रहा है, जिसको ये सुन रहे हैं, जिसको ये देख रहे हैं, वो झूठा, और जिसको ना तो इन्होंने देखा, ना जिसको ये जानते, ना जिसके बारे में इनको मालूमात है, ना जिसको पढ़ा है, जिसके बारे में ना देखा, उस पर ईमान रखते हैं। ये कैसे जाहिल लोग हैं, ये कैसे अंधे लोग हैं भाई। अब ये बताइए, इनको, इन जैसे लोगों को अगर हम अंध नमाजी ना कहें तो हम इन जैसे लोगों को क्या कहें? हाँ बिल्कुल सही, और ये लोग जो है ना समर भाई, ये लोग गैर मुस्लिमों का अंधभक्त कहते हैं। इनकी बेशर्मी देखिए,
खुद से बड़ा अंधभक्त कोई नहीं है और दूसरों को अंधभक्त कहते हैं। जी, ये लोग अपने मतलब के हिसाब से बात करते हैं। जैसे कि अगर ज्यादा कहीं हिंदू है तो वहाँ हम नहीं इस्लाम की बातें इतना ज्यादा फैलाएंगे, लेकिन ज्यादा हमारी तादाद जहाँ पे, वहाँ पे हमको पैसों से, ताकत से, जोर से तब फैलाना है। ये अपनी मतलब की बातें करते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैं बोला अगर एक गांव में अगर दो तीन ही मुसलमान है और पूरा गांव हिंदुओं का है, तब भी क्या हमको उतना पावर दिखाना चाहिए हमारा? तो बोलते नहीं, वहाँ पे जरा दब के रहना पड़ता है। ये अपने मतलब की बातें करते हैं। एग्जैक्टली। एस मुस्लिम पानी पूरी वाला जी लिखते हैं, मॉडरेटर प्लीज आस्क समीर टू क्रैक थंबनेल, इट शुड बी प्रोस्टिट्यूशन नॉट प्रोसिक्यूशन। अगर इसमें मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में तो ये बाद में ही बदला जा सकेगा। मैं एडिटर साहब को बोलूंगा इसके बारे में कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो उसको ठीक कर दें, लेकिन ये कार्य जो है वो स्ट्रीम के दौरान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्ट्रीम का टेक्स्ट या टाइटल नहीं है जिसको हम चेंज कर दें। ये पूरा थंबनेल चेंज करना पड़ेगा, तो ये काम जो है हमारे एडिटर साहब करते हैं जिन्होंने बनाया। मैं उनसे कहूँगा कि आप इसको चेंज कर दें। तो थैंक यू सो मच समीर भाई, बताने आप के लिए। अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाहता समीर, हूँ, एक मिनट मुझे दें, एक मिनट। मैं बड़ा शमीम साहब से मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। शमीम भाई जरा आप अपने अनम्यूट करके जरा हाजिर हो जाए। मेरी शिकायत ये है शमीम साहब आपसे, यार एक तो मुसलमान हमारी इस टीम में ऊपर बात करने आता नहीं। अगर गलती से कोई एक दो मुसलमान नाम हमको दिखे वो आगे कहता मैं एक्स मुस्लिम हूँ, सर ये हो क्या रहा है? सर देखिए, यही तो हम चाहते हैं कि भाई मुसलमान जो है ना वो एक्स मुस्लिम हो जाए यार। जो मुसलमान है ना, जिसका मतलब उस दिन जो आप बोले थे ना कि जिसकी ताला खुलने वाली है ना, उसको तो वैसे ही ताला खुल जाएगी। जिसको थोड़ा बहुत जंग लगी है उसको तेल पानी हम लोग डाल रहे हैं जिससे उनकी ताला खुल जा रही है, और बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो तो अपना ताले लेके छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि वहां जाएंगे तो हमारी भी ताला खुल जाएगी। और सबसे बड़ा मसला ये है सर कि जो उलमाए कराम है ना, वो इस बात से डरते हैं कि हमारा जो काम धंधा चल रहा है वहां जाएंगे तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा यार। तो उनको भी पेट है, उनकी भी फैमिली है, तो थोड़ा उसका भी ख्याल कर ले, बेचारे को ठीक है, रहने और दे। जो आते भी हैं ना दो चार जो आते भी हैं अल्लाह का नाम लिख करके मोमिन बन करके, वो सिर्फ टाइपिंग में इस्लाम बताते हैं, स्ट्रीम पे नहीं आते, सिर्फ टाइपिंग में इस्लाम बताएंगे। अभी इन भाई साहब को कमेंट देखें, कितना मजाकिया खेत, कितना हंसने वाला चुटकुले जैसा इनका कमेंट है। जितने भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनमें सबसे बड़ी परसेंटेज वुमेन की होती है। हाँ तुम लोग लव जिहाद जो करके लाते हो उनको, तो वुमन तो होगी ही ना, याद करके तुम काफिरों की लड़कियां तो लाते हो। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही समीर कही कि भाई, मतलब कि समीर भाई आपकी इजाजत और से तो इस्लाम मैं कुछ भाई कहना चाह रहा था। जी, तो मैं कुछ टकरा कहना रही चाह रहा है। था। तो एक आदमी को पहले एक बात कंप्लीट करने दे, उसके बाद कोई दूसरा बोले। स्कॉलर जी एक सेकंड रुके, बात कंप्लीट करने दीजिए फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी शमीम भाई आप कंप्लीट करें, कुछ करें। जी भाई, आप लोग सिर्फ चैट चैट जिहाद करते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होना है। आप अगर हमारी जबान बंद करवाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि हम बोल रहे हैं उसको आपको गलत साबित करना पड़ेगा। चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आपको आना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा, नहीं तो अपने उलमा को लेके आना पड़ेगा। यहाँ चैट में आके आप हमारी बातें सुनते हैं और नीचे से गाली देते हैं, उससे कुछ फायदा होना नहीं है भाई। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ से गाली देंगे तो हमारा व्यूवर्स है वो सुनेगा तो चला जाएगा। भाई सबको पता है कि हम जो बोलते हैं वो अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, वो जो आपका किताब में लिखा है वही कहते हैं। तो प्लीज़ आप जो वो सोचते हैं ना, तो आपका वो काम होने वाला है नहीं। आपको अगर मुंह बंद करना है तो ऊपर ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। एग्जैक्टली। अच्छा ये बैक स्टेज में नॉन मुस्लिम पता नहीं क्यों जुड़ रहे हैं सर 10 बार बोलने के बाद भी। भाई जिसने कलमा पढ़ लिया हो ना नॉन मुस्लिम नाम वाले ने वही ऊपर आए भाई, नहीं तो मत आए। जी आप कुछ कह रहे थे रिसर्च स्कॉलर जी, आप अपनी बात कीजिए। जी रिसर्च हेलो सर, स्कॉलर जी बोलिए सर। जी जी बोलिए सर आप ओके, सॉरी मैंने सुन सका। औजुबिल्लाह मिन शैतान निर्जीम, बिस्मिल्लाह रहमान निर्रहीम, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम खातु मिन अंबिया शेखुल मुस्लिमीन वल आले व असहाब अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह अकबर कबीरा व अलहमदुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह बकरतन वसीरा,
اللهم اني اسالوك حبك حب ما يحبك حب حبيبك صلى الله عليه وسلم حب امني قريب الى حبك. سمیر بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ جب سے میں آپ کے ساتھ بات ہوئی ایک 15-20 لوگوں کے ساتھ بات ہوئی وہ بھی لوگ سرچ کر سوچ رہے واقعی یہ جو بندہ بات کیا مطلب آپ بات کیے اور آپ سے میں ریفرنس لے کے یا میں بھی سرچ کر کے ہمارے فرینڈ شپ سرکل میں بتایا کہ آپ خود جا کے پڑھو تھوڑا بہت چینجز آ رہا تھا میرے آ رہا چینجز ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی محنت ہے میں بول کے نہیں بہت چینجز آ رہا تو آج کل کے جو ایجوکیشن ہے نا تھوڑا مطلب آن لائن ہے اور سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بچوں کو بھی بچے بھی تھوڑا بہت جان رہے ایگزیکٹلی ہے کیا 1400 سال پہلے آئیڈیالوجی آج کہیں کو ہم پہ تھوپ رہے. اور ایک سمیر بھائی اور ایک بات نوٹ کیا میں آئی ایس کوچنگ کے لیے جانے کے لیے سوچا تھا پہلے میں جا نہیں پایا تھوڑی مالی حالت گھر کی پرابلم تھی میری لیکن میں جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا. مجھے یہ بات پتہ چلی ورلڈ وائڈ اسٹڈی کرنے کے بعد جہاں پہ یہ ہمارے مومن لوگ ہیں وہاں پہ پیس نہیں ہے سمیر بھائی. ایون انڈیا اس لیے پیس ہے کیونکہ یہاں پہ میجورٹی آف نان مسلم بھائی ہیں. انڈیا کو پیسفل بنانا بولے تو یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہی کرتے ہوئے ہیں. کیونکہ اب میں خود میری فیملی کا ایگزامپل لے لوں میری فیملی میں اتنا کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. میں نارملی ہر آیت کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں پہلے بولا نا آپ کو میں پہلے ڈبیٹ کرتا تھا بریلوی اہل حدیث ان بیچ میں تو مناظرے بھی ہوتے تھے اس میں جا کے اٹینڈ کرتا تھا. کوئی بھائی آپ سے بات کیے کہ حضور نبی کے والدین جو تھے وہ کافر مطلب آئی مین جو بھی ایک منٹ جنت میں مطلب جہنم میں چلے گئے بول کے تو اس پر بھی ہم نے ڈبیٹ کیا تھا. اس سے پہلے ڈبیٹ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد تھے وہ جنتی ہیں بول کے وہ کیسے کیونکہ جو بچے کی جنازے کی نماز رہتی ہے وہ اللہ جل ہولنا فرت اللہ ایسے ہے وہ جنازے کی نماز کی دعا اور نابالغ کی بالغ کی جو ہے وہ اللہ مکر لیا نہ میت نہ شہید نہ غیب نہ صغیر نہ ایسے ہے. مطلب کیا بالغ کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس میں مغفرت ہے اور جو نابالغ بچے کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں مغفرت نہیں ہے. تو بچے کے لیے اس لیے دعا کریں کہ بچہ ہمارے سے پہلے جا رہا وہ جا کے ہمارے سے شفا کرے اللہ بجل ہولنا فرت الحلنا اجر و شکر شاہ کے مشفا ایسے یہ ہے. تو ہم کیا ڈبیٹ کرتے تھے نبی نے اپنے ماں باپ کو والدین کی دعا اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ آلریڈی بخشے گئے تھے. آپ سمجھ رہے میرے پوائنٹ کو؟ مقابلہ کریں گے جس میں رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں. انہوں نے کہا جہنم میں. تو وہ مایوس ہو کے اللہ کے رسول نے اس کو واپس بلایا کہ ادھر میرا باپ بھی وہی ہے. یہ حدیث سناؤں میں یہ حدیث کے بارے میں بھی سناؤں میرا باپ بھی وہی ہے بول کے وہ حدیث جو ہے نہیں ضعیف ہے بول کے وہ بولتے ہیں انہوں اس کے بارے میں وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے صحیح راوی جو ہے نہیں بالکل ضعیف حدیث نہیں ہے صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی دونوں کے سند کے ساتھ دیکھنا ہوگا جی جی دیکھنا ہوگا اسے دیکھنا ہوگا. بہرحال میں بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس طرح ڈبیٹ کرتے تھے ڈبیٹ کر کے آپس میں جھگڑتے تھے. کوئی جب میں بریلوی تھا تو اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھا تو اتنا جلتا تھا کہ کیا رف الدین کے ساتھ نماز پڑھتے پوری مسجد یہ کرتے آمین زور سے بولتے آمین بالجہر ہے ایسے کرتے تھے. پھر ہم کو ایسے پڑھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہی اسلام کو برباد کرتے. پھر بعد میں جب میں تبلیغ جماعت میں گیا تو وہاں پہ بولتے تھے سنی جو درگاہ کو جاتے وہاں پہ میں ایون ناطخہ بھی ہوں نعت پڑھتا ہوں سلام پڑھتا ہوں یہ سلام پڑھتے یہ بدعتی ہیں کل لوگ بدعت ہے دلالا تلفنار بولتے تھے یہ سب بدعتی ہیں مشرک ہیں. پھر بعد میں ریورٹ ہو گیا اہل حدیث میں گیا پہلے جس میں جانے کے بعد سب مجھے کافر لگنے لگے شوائے وہی پرس جو ہے وہ صرف اہلِ حدیث ایسے فیل ہونے لگا. مطلب کیا ہے ٹوٹل فرقوں میں رہنے کے بعد بھی انسان کو سیٹسفائی نہیں ہے. پھر اس لیے میں وہ بیسک ہی جگہ ہے کیا بول کے یہ مجھے ریفرنس ملا آپ سے اور ساحل بھائی سے. جب میں آپ کی پہلی بار جو آن لائن پہ دیکھا نہ ہو آپ ڈبیٹ کر رہے تھے نا اس وقت میرا ذہن کھل گیا یہ جو بندے لگے ہیں اتنی محنت کر رہے اتنا کانفیڈنس کی بات بول رہے بولتے کچھ نہ کچھ ہے بول کے. ایک آپ کا یہ بولو وہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ کا ایک انسپریشن بولو آپ کی وجہ سے کم اب 15-20 لڑکے ایسے ہو گئے ہمارے گروپ میں وہ بھی بول رہے صحیح ہے بھائی کہیں نہ کہیں ہے ویلڈ پوائنٹ ہے ان کی وہ بھی ایون ڈاگمیٹک ہے وہ ان کے چہروں پہ داڑھی ہے رمضان کے پورے روزے رہے وہ لوگ لیکن اب بھی ان کے دل میں اب ڈاؤٹ آ رہا وہ سوچ رہے بھائی کہیں نہ کہیں جو سمیر بھائی وہ ہیں ساحل بھائی ہیں یا جو آڈم سیکھ رہے ہیں جو بھی ہو یہ لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ یہ بندے اتنا کانفیڈنس نہیں اپنی زندگی کا اپنی جان کا دھوکہ لے کے کر رہے بولے تو کچھ نہ کچھ ہے ایسے ہی نہیں کر رہے لوگ بول کے
इसलिए चला है समीर भाई, सब लोग मेहनत कर रहे, देख रहे, इंशाल्लाह बोलो, अब मजबूर नहीं वर्ड लेना पड़ रहा है, इंशाल्लाह। अच्छा ये ड्रॉप हो गए हैं बात करते हुए, मैं वो हदीस निकाल लिया हूँ, मैं वो हदीस स्क्रीन पर रखता भी हूँ शमीम भाई, वो एकदम ऑथेंटिक हदीस है ये, मैं जी ऑथेंटिक हदीस है, सुनो नबी दाऊद से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ग्रेड सही अलबानी ने भी इसको सही कहा है, यहाँ पर अनस से रिवायत है, अ मैन आस्क, एक आदमी ने पूछा, वेयर इज माई फादर मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरा बाप कहाँ है, ही रिप्लाइड योर फादर फादर इज इन हेल, तुम्हारा बाप जहन्नम में है, When he turned his back, जब वो मुड़ा, he said, My father and your father are in hell, कि मेरा बाप भी और तेरा बाप दोनों जहन्नम में है। अगर आप अरबी का टेक्स्ट भी देखेंगे, पहला इन अभी ये वो अब का फिर नार, यानी कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों जहन्नम में, और हुक्म जो है इसके बारे में वो सही है, अल अल्बानी ज़ईफ हदीस नहीं है, सही हदीस है, ऑथेंटिक। इसके बारे में समीर भाई मैं भी एक बात करना चाहता हूँ कि आप जो बता रहे हो ना, वो अगर वो नंबर मुझे मालूम पड़ जाना सच्ची में, मैं स्क्रीनशॉट मार के रख लो, जब भी मुझे दिखाना हो ना किसी को तो यही दिखाऊंगा। ये दिखाएं सर, सुनन नबी दाऊद का 4718 हदीस नंबर है, इसको स्क्रीनशॉट लें, ये लीजिए सर अच्छे से। हाँ जी ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, और ये ले लिया ले लिया जी, ये दिखा दीजिएगा उनको सर, और अरबी का भी ले ले, ये ले, और जो को मुल्ला मौलवी होगा उससे अरबी भी पढ़वा लीजिएगा, क्या मतलब है काला इन्नी अभी ये अब आदा का फिर ना का मतलब क्या है, बस ये पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा ये दिखाने के बाद समीर भाई उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में पहला कोई झटका मार दिया हो। जी, और रसूलुल्लाह के अम्मी के बारे में भी है हदीस, वो मैं जहन से उसका नंबर उतर गया है, मैं पढ़ रहा था, लेकिन पूरा खानदान पूरा सिर्फ एक अम्मी के बारे हमजा को छोड़कर पूरा खानदान जो है वो जहन्नम में ही है। अच्छा समीर भाई जी, हाँ मैं एक सवाल पूछने वाला था आपसे अभी, कि क्या वो मुझे वो हदीस मिल सकती है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने एक डेड बॉडी के साथ में सेक्स किया था, वो एक बात सच्ची थी क्या? जी वो सही हदीस है, और सही हदीस तो नहीं, सही रिवायत है, वो हदीस तो नहीं कह सकते उसको, रिवायत है वो, और अच्छा, वो जो है जिस किताब से ली गई है, वो किताब के अंदर जो है सिर्फ मुस्नद रिवायतें दर्ज की गई है जिनकी ऑथेंटिक और सही चैन ऑफ नरेशन के साथ मौजूद है, किताब मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, हदीस का हवाला मैंने इस वीडियो में दिखाया है, अगर आपको किताब चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं पीडीएफ फॉर्म में किताब भेज दूंगा आपको। हाँ चलेगा ठीक है। और ये जो पेशाब मुबारक का जो बताए थे, वो वाकई वाकई में हदीस में है ना वो? हाँ बहुत सारी हदीस में है, उसके तो लिए बाकायदा वीडियो भी है, मैं मतलब वो ज़ईफ हदीस नहीं है ना, सही हदीस है ना? बिल्कुल सही हदीस है, ऑथेंटिक सही जी, सही अल ऐन, कोई कोई भी ज़ईफ हदीस नहीं है, सबकी सब सही है। अच्छा माँ साहब जुड़े थे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नौशाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नौशाद साहब से गुफ्तगू करते हैं हम जी। नौशाद भाई इस्तकबाल है आपका, अपना अनम्यूट करें ज़रा। सिद्धार साहब वो भी हदीस भाई को दे दीजिए, स्क्रीनशॉट मार के वो भी रख लेंगे, मैं फिर से शेयर कर दिया हूँ। जी जी कौन सी हदीस? वो रसूलुल्लाह का कपड़े उतार के कब्र में घुसने वाला। अच्छा हाँ अब वो मेरे पास है, उसका नहीं, उसका नंबर भी मैंने दे रखा है ना, उस वीडियो में कंप्लीट है, और वो जो पूरी पूरी मुकम्मल किताब है, स्क्रीनशॉट की अपनी स्क्रीनशॉट को तो ये कह देंगे पता नहीं कहाँ से लेके आए, मुकम्मल पीडीएफ फॉर्म में पूरी किताब है मेरे पास, मैं पेज नंबर के साथ इनको पूरी किताब भेज दूंगा, उस पर जलेबी नहीं बना पाएंगे ना फिर, जो नॉन मुस्लिम है भाई पाकिस्तान में छोड़ दें प्लीज, हम किसी नॉन मुस्लिम को नहीं ऐड करेंगे। जी नौशाद भाई मेरी आवाज आ रही है आपको जनाब? जी 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 भाई आप मोमिन हैं? जी मोमिन है। ओके कुछ सुना दे भाई जिससे हमें थोड़ा सा हम मुतमईन हो जाएं कि आप मोमिन ही हैं। आप ऐसे टाइम जुड़े एक बार लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि आप किस अकीदे के साथ जुड़े थे, थोड़ा सा कुछ सुना दे भाई। नहीं मेरा बैग उसमें मेरा नाम तो आप देखिए ना, एक मुस्लिम वाला नाम है। असल में क्या देख पा रहे हैं, बहुत से सुनिए बहुत सारे नॉन मुस्लिम आते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम नाम रखे आ जाते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम नॉन मुस्लिम को अलाउ नहीं करते इस टीम में ना,
तो इसलिए ऐसा काम करते हैं कि मुस्लिम नाम रख के आ जाते हैं, हमारे साथ जो है उल्टी सीधी बात करेंगे और ये साबित करेंगे देखो इस्लाम में कमियां, और आखिर में ये कहने लगते हैं हाँ इस्लाम तो बुरा है मैंने छोड़ दिया। तो उससे गलत मैसेज जाता है, हम नहीं चाहते कि कोई भी एजेंडा या प्रोपोगंडा चलाए हमारे चैनल से, हम सिर्फ ईमानदारी से बात करना चाहते हैं। तो आप प्लीज कुछ सुना दें, आपकी मेहरबानी होगी। सूरह फातिहा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर जी सुना दें, सूरह फातिहा सुना दें। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौम الدين, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो हमारा सवाल है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सूरह अन्निसा की आयत नंबर 24 में जो आपके अल्लाह ने ये वो खातून भी आपके साथ आपके लिए हलाल कर दी जो कि पहले से शादीशुदा हैं, वल मुहसिनात यानी के शोहर वाली औरतें, ये मिनन निसाई उन औरतों में से, इल्ला मा मलकत अईमानुकुम जो कि तुम्हारी गुलाम लौंडिया बन जाए, असीर होकर के तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये तुम्हारे लिए हलाल है चाहे उनके शोहर ही जिंदा हो चाहे वो शोहर वाली हो। ये भाई इसको आप अच्छा मानते हैं कि किसी दूसरे की बीवी के साथ आप डिंकी डिंकी कर रहे हैं? जी देखिए, रोशन जी, ये तो सही बात है, इस तरह किया जाता है उस टाइम का, उस टाइम यही सब होता था। तो रसूल अल्लाह ने भी किया। रसूल अल्लाह के बारे में सहाबा लोग किया। नहीं, रसूल अल्लाह ने किया और कुरान में अल्लाह ने आपके लिए इसका हुक्म दे दिया। आपको पता है जी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये जवाज नहीं, ये जायज नहीं है, ये हुक्म है। ये जो आयत आई है आपके लिए ये अहकाम के तौर पर आई है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ, उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर गैर मुसाफिहीन फमा इस्तमतअतुम बिही मिन्हुन्ना फातुहुन्ना अजरुहुन्ना। और यहाँ पे लिखा है फरीजत यानी के आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, ये हुक्म है भाई, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑर्डर है ठीक है, तुम्हारा। अल्लाह का हुक्म है तो ठीक ही है। नहीं तो आप इसको अच्छा मानते हैं कि आप किसी दूसरे की बीवी के साथ डिंकी डिंकी करें, उसको अपनी गुलाम लौंडी बना करके? देखिए, वो सब लड़ाई के पिछले जमाने की बात है। हम नया एक दूसरा बात पूछना था आपसे। नहीं, ये दूसरा बात पे हम बाद में जाएंगे, पहले इसी को क्लियर करेंगे। आपने कहा लड़ाई की बातें हैं, पिछले जमाने की बातें हैं, जी कुरान के अंदर जो हुक्म है वो पिछले वक्त के लिए है कि कयामत तक के लिए है? हाँ, कयामत तक के लिए है। सही तो फिर आप बात लोग इतनी बेशर्मी से झूठ बोल के निकल कैसे जाते हो कि पिछले वक्त के लिए है, उस वक्त के लिए? किस मुंह से आप ये झूठ बोलते हैं? हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, हम तो जो सही बात बता रहे हैं सही आप है। कह रहे हैं कि ये लड़ाई के लिए तो उस वक्त के लिए दाव नहीं है, तो कुरान तो कयामत तक के लिए है और कुरान में इसका हुक्म है, तो ये हुक्म उसी वक्त के लिए है कि कयामत तक के लिए है? अच्छा, अभी कहाँ हो रहा है थोड़ा बताइए तो। अभी तो मैं कह रहा हूं हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि लोग अच्छे हो गए, पर अल्लाह अच्छा नहीं हो रहा ना ऐसा हुक्म दे करके। अल्लाह अच्छा नहीं, अब कहीं नहीं हो रहा है जाहिर बात जो है है, जो। यानी कि आज अगर आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे इसलिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो उसको अच्छा समझ रहा है इसलिए हुक्म दे रहा है, तो ये आपका जो खुदा है फिर ये तो आम लोगों से भी गया गुजरा हुआ। नहीं, ये बात तो हम नहीं बोल सकते। फिर आप नहीं, आप बोल नहीं सकते, आप बोल ऐसा ही रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे, पर इनडायरेक्टली आप ऐसा ही बोल रहे हैं भाई कि देखो आज तो नहीं हो रहा ना, यानी कि बुरी चीज से लोगों ने छोड़ दी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में, तो बुरी चीज का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने भाई कुरान में? इससे मोमिन को बचना है, ईमान बचाना है ना। किससे? नहीं, इससे मोमिन को बचना नहीं है, ये मोमिन को करना है, हुक्म है ये जानना अल्लाह का जी, ये मोमिनों को करना है। अभी तो मैं सिर्फ इस ट्रांसलेशन पे हूं, अभी तो मैं इसकी तफसीर पे भी जाऊंगा और इसकी तफसीर में आपको ये पता चलेगा कि जनाबे रसूल के ये आयत इसलिए आई थी कि
कि कुछ लोग जो है जंग के बाद जब ऐसी औरतें उनके कब्जे में आई गुलाम तौर पर जिनके शौहर भी साथ ही गुलाम थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि उनके शौहरों के सामने उनके साथ वो डिंकी डिंकी करें। वो रसूल अल्लाह के पास आकर आगे कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ऐसी औरतें हमारे कब्जे में आ गई हैं जिनके जिनके शौहर जिनके खाविंद भी उनके साथ ही हैं, अब हमें तो नहीं लग रहा हम इनके साथ डिंकी डिंकी करें, अब क्या करें। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि ऐसा है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी दुनिया और ये सारा कुरान नाजिल इसलिए क्या है ताकि तुम डिंकी डिंकी करो, बेधड़क करो, बिंदास करो, दनादन करो। अब ये बताएं वो लोग अच्छे थे कि अल्लाह अच्छा है भाई, नौशाद भाई जो इसका इनकार कर रहे थे वो लोग अच्छे थे कि अल्लाह अच्छा था जो कह रहा कि नहीं करो। ये खामोशी हमको अच्छी लगी। नहीं सुनिए ना, एक बात बताइए ना, मेरा एक सवाल है। I like it. आपका जो सवाल है वो मेरे जवाब के बाद, नौशाद भाई पहले मेरा जवाब दे दें मेहरबानी करके, भले ही उसको अच्छा कह दें या बुरा कह दें या आपके ऊपर, मैं आपसे निकल वा रहा जबरदस्ती आप यही कहें, आपको जो लग रहा है अच्छा बुरा आप वो कहें, पर प्लीज पहले मेरा जवाब दे फिर किसी अगले सवाल पर जाएंगे। देखिए अच्छा बुरा हम नहीं बोल सकते इसलिए जहन्नम का खौफ है हमें। भाई आपको जहन्नम का खौफ है इसलिए आप अच्छा बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको सामने से ये दिख रहा है कि एक अच्छा अल्लाह, एक अच्छा खुदा, एक सच्चा खुदा ऐसा वाहियात और घटिया हुक्म दे ही नहीं सकता जिसको इंसान खुद ही अच्छा ना समझते हो, तो फिर ऐसे अल्लाह की जहन्नम भी ऐसी झूठी होगी और वैसे अल्लाह की जन्नत भी ऐसी झूठी होगी जिस पर आप जिससे आप डर करके सच्चाई नहीं बोल रहे। आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तक भी कि ये सच्चे खुदा का कलाम नहीं हो सकता, ऐसा हुक्म कोई सच्चा खुदा नहीं दे सकता, ये तो किसी इंसान की सोच है जो ऐसी हो सकती है। देखिए ये दोनों तरफ से हुआ होगा उस टाइम में, ऐसा बात थोड़ी ना कि सिर्फ ये जो यार, है यार दोनों तरफ से, किस तरफ से मतलब काफिरों की तरफ से भी, काफिरों की तरफ वो लोग भी पकड़ के ले गया होगा, तो वो तो है ही शरुल बरिया, वो तो बुरे हैं, अल्लाह भी बुरा है क्या। हालांकि हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूं, हालांकि काफिरों ने कभी ऐसा नहीं किया, पर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है चलो काफिरों ने किया तो काफिर तो है ही बुरे, आपका अल्लाह क्यों बुरा बन गया, उनके साथ होता उसे तो अच्छा रहना था ना। चलिए ठीक है आप जाइए जहन्नम में। नहीं मैं तो जहां जाना है मुझे मैं तो चला जाऊंगा, आप अपना बताइए आप कहां जाने वाले, आप सच बोल करके जहन्नम जाना पसंद करेंगे या झूठ बोल करके जन्नत जाना पसंद करेंगे, आप ये बताइए। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आप गलत चीज को सही साबित करके जन्नत जन्नत जाएंगे या गलत चीज को गलत बोल करके हमारे साथ जन्नत में जाना पसंद करेंगे लूडो खेलने, क्या कहते हैं। आपने एक सवाल एक बोला था उस चीज का हमको जो है ना ये सबूत चाहिए। देखो मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने, ऐसे बात नहीं हो सकती, जब तक आप एक बात को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें फिर हम आगे चल लेंगे बेशक से, कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन पहले आप उस बात को देखो मुकम्मल करें। नौशाद भाई आप बताएं ये चीज आपको अच्छी लग रही है अल्लाह की बुरी लग रही है। हम नहीं बोल सकते गलत समझते नहीं भाई, क्यों नहीं बोल सकते, अल्लाह आपको आके मार देगा जमीन में। ओके और तुम क्या हो? ज़ॉम्बी भाई, अली सैयद भाई, भाई गाली गलौज मत कर भाई, तो चाहे नॉन मुस्लिम हो तुम चाहे मुस्लिम हो डजंट मैटर, पर भाई गाली गलौज मत करो ठीक है, हमारी स्ट्रीम खराब मत करो अली सैयद, मैं तुमको निकाल रहा हूँ स्ट्रीम से। जी नौशाद भाई जी क्या कहिएगा, अल्लाह ने अच्छा कहा, ये अच्छा हुक्म दिया अल्लाह ने मुसलमानों को कि बुरा दिया सर कि दूसरों की शादीशुदा बीवियों के ऊपर भी तुम झपट पड़ो जब वो तुम्हारे कब्जे में लौंडी बन के आ गई, भले उनके शौहर सामने से बैठ के देख रहा हो, उन्हीं के सामने उनको पेलो तुम, उनके शौहर के सामने, ये अच्छा हुक्म था कि बुरा। नौशाद भाई तुमको इंसानियत का वास्ता, इंसानियत के लिए सच बोलो, और भाई
चला गया, चला गया क्या बिना कुछ बोले चला गया। देखो समीर भाई यही होता है, आपको सच बता रहा हूं मैं, कुछ लोग जो है आपके स्ट्रीम की वजह से सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसे इतना ही गंदा है हमारा इस्लाम। और सोच सोच के आप अभी अपने आप थोड़ी देर पहले जो टॉपिक रखा कि ये वाकई में यार ये एक्स मुस्लिम इतनी तादाद बढ़ गई है या कुछ लोग झूठे से एक्स मुस्लिम बन रहे। मैं बोल रहा हूँ नहीं, वाकई में एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ गई है, सबको पता चल गया ना भाई कि इतना गंदा है। क्योंकि इससे पहले कभी कोई पढ़ता नहीं था, मैं खुद अपने ऊपर ले लेता कि मैं कभी पढ़ता नहीं था, स्ट्रीम देख देख के मैंने जितना सीखा उतना मैंने ना अरबी अपना मदरसे में जाके सीखा ना मस्जिद में कभी बयान में सीखा। अच्छा यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका दिल इसको अच्छा बोलने का भी नहीं कर रहा है, आप मत बोलो बुरा, आप मत बोले गलत है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा बोलने का नहीं कर रहा है इसको, तो फिर भाई ऐसी चीज पर ईमान रख के ऐसी जन्नत में तुम जाके करोगे क्या जहाँ तुमको 72 अंडिया मिलेंगी।